पांडे और हाजिर हूं अभी तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस की खबरों की ओर। रांची से बड़ी खबर, नक्शा विचलन मामले में रानी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश कुमार के डिस्चार्ज पिटीशन पर आंशिक सुनवाई हुई है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 जून को होगी। 11 साल पुराने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया जाना है। कार्रवाई से पूर्व डॉक्टर राजेश कुमार ने दाखिल किया है डिस्चार्ज पिटीशन। बूटी रोड के रानी अस्पताल और जगन्नाथ लाइफ केयर अस्पताल का निर्माण में नक्शा विचलन का मामला है। आरआरडी अधिकारियों के साथगांठ से बिल्डर फर्म और कंपनी की ओर से आपराधिक साजिश के तहत नक्शा विचलन किया गया था, यानी कि नक्शे में हेरफेर किया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 25 मार्च 2011 को प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की थी। डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर सुधीर कुमार समेत 9 के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीबीआई ने जनवरी 2013 में चार्जशीट भी दाखिल की है। और अब इसी मामले में और दीपक अमर सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। दीपक, पूरा मामला जानना चाहेंगे, अपडेट क्या इस मामले में? जी बता दें कि रानी अस्पताल और जगन्नाथ लाइफ केयर अस्पताल का जो नक्शा विचलन का मामला है यह साल 2011 से पहले का है। और इस मामले में क्योंकि ये नक्शा विचलन का मामला है और आरआरडीए के जो अधिकारी है उन लोगों के साठगांठ से बिल्डरों ने और आम और जो कंपनी है उन लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए नक्शा विचलन किया गया था। और इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले में सीबीआई जांच करे और कार्रवाई करे, जिसके बाद 25 मार्च 2011 को सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू की। और जांच करने के बाद साल 2013 में चार्जशीट दाखिल किया था। और इस मामले में खास तौर पर अगर भूमिका की बात करें तो सीधे तौर पर आरआरडीए के जो उस समय तत्कालीन अधिकारी थे उन लोगों के साठगांठ से ही नक्शा विचलन हुआ है। बिल्कुल, इस मामले में जब डिस्चार्ज पिटीशन आज रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के जो संचालक थे उनके द्वारा दाखिल किया गया था, क्योंकि इस मामले में आरोप गठन होना है और आरोप गठन होगा तो जाहिर सी बात है कि सभी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। इससे पहले रानी अस्पताल के जो संचालक थे उनके राजेश कुमार उनके द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया था। इस मामले में आज सुनवाई नहीं, क्योंकि इस लिहाज से वो डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था कि उनके खिलाफ जो आरोप गठन अगर होगा तो उससे परेशानी बढ़ सकती है, तो आरोप मुक्त करने के लिए वो डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था, जिस पर आज आंतरिक सुनवाई हुई है और आगामी 16 जून को इस पर मामले पर निश्चित सुनवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़े। आप जानकारी आपने दी रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल से जुड़ी हुई, जिसमें संचालक की ओर से नक्शे हेरफेर किया गया था। और अब इसी मामले में जब जांच आगे बढ़ रही है तो इसमें डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया, जिस पर आज सुनवाई हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।